जनपद मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर थाना क्षेत्र के गांव खुब्बापुर के नेहा पब्लिक स्कूल में घटी अत्यंत शर्मनाक अमानवीय घटना के संबंध में महामहिम राज्यपाल महोदया भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिला मुजफ्फरनगर की ओर से यह ज्ञापन प्रेषित किया जा रहा है, जिसमें गत 24 अगस्त को घटी इस हृदय विदारक घटना को आपके संज्ञान में लाने का प्रयास करते हुए आपको घटना की सिलसिलेवार जानकारी देने का प्रयास जनपद मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर थाना क्षेत्र के ग्राम खुब्बापुर के नेहा पब्लिक स्कूल की संचालिका श्रीमती तृप्ति त्यागी द्वारा एक मुस्लिम बच्चे को उसके ही सहपाठी बच्चों से थप्पड़ लगवा रही है व आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करते हुए कहती है कि इन मुस्लिम बच्चों को ऐसे ही पीटना चाहिए और मैं तो डिक्लेयर करती हूँ कि इनके साथ यही सलूक होना चाहिए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है, जिससे घटना की सत्यता के बारे में कोई संदेह शेष नहीं रह जाता, क्योंकि हमारे यहाँ स्कूलों को शिक्षा का मंदिर माना जाता है व स्कूलों को मंदिर की संज्ञा इसलिए भी दी जाती है क्योंकि यहाँ पर बच्चों को अच्छे संस्कार सिखाए जाते हैं। हमारे देश में गुरुओं के स्थान भगवान तुल्य माना जाता है, लेकिन इस दौर में अब नफरत की हमारे स्कूल पाठशालाएं बनती जा रही हैं, जिससे गुरुओं को शर्मसार होना पड़ रहा है व ऐसी घटनाओं से हमारे स्कूल भी बदनाम हो रहे हैं। महामहिम महोदया, में आशा है कि आप हमारी मांगों का तत्काल संज्ञान लेकर व न्यायिक जांच कराकर दोषी को कटघरे में खड्डा कराएगी व बच्चों को बेहतर व सुचारू शिक्षा दिलाने का प्रबंध कराएगी। तो गलती नहीं थी, क्या नाम आपका? पत्रकार जब जेल में गया तो सर ये बताइए, आज जो सीपीआई का जो बैनर लगा है धरने पर बैठे हैं, क्या कारण है, क्या बातें हैं? उनको भी तो जेल भेज दो, कारण है खुब्बापुर में। अच्छा, ये धार्मिक मामला है या वैसे ही? बस ये तो कम्युनिस्ट पार्टी या रंजिश मामला है, उसे बच्चों से पिटवा के वो नॉर्मल शक्ति थी, शोषण होता है, बुला के पीट से चमारों के खिलाफ, पकड़वा के खिलाफ, किसानों के खिलाफ, महिला मुसलमान का या धर्म विशेष की कोई हम बात नहीं करते। नहीं, जो खुब्बापुर का मामला है, इस तरह का मामला जुड़ा है या क्या? सरकार की नहीं, हम तो जानते भी नहीं, ये इस तरह के हमें पढ़ाना सरकार के देख करके ये दुख हुआ है कि जगह जगह मास्टर नहीं ऐसा ना करने लगे, और बोलते ना मास्टर अच्छी पे और जमीन के कुछ बस का अत्याचार करना और इस तरह के सूची इन मास्टर बंद बना करके लोगों को ठाट करना, इनका एक पैसा है। धरना कब तक चलेगा? लोगों के लिए एक टीम बना चला जाता है, वो जैसे कवाल खंड बनवा रहा है उससे कुछ ये ऐसा ही देश में कहीं ना कहीं चाहिए मामला ये और ऐसा अब ना होना एक नामुमकिन सा लग रहा है, तो जगह जगह ये पैदा कर रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि ऐसा ना हो, बच्चे को उसी के सहपाठियों से और जो गलत करता हो सजा मिले, और जब तक सजा नहीं मिलेगी बच्चा जो है वो 7-8 साल सिर्फ जेल जाने से नहीं, सजा उसे मिले, यूकेजी का बच्चा स्कूल बंद होने से नहीं, उसे जेल जाना पड़े, उसी के परिवार की संपत्ति की जाँच हो, उसके भी बोल हो सकता है उसी समाज पता लगे अन्य समाज के हो, गलत काम कर उन्हें पत्रकार तो जेल में गया, क्या असर पड़ेगा? पत्रकार भी जेल गया तो उन्हें भी जेल जाना चाहिए, पत्रकार की तो गलती नहीं थी, वो बच्चे जो पत्रकार जब जेल में गया तो गलत लाइन में बच्चों को दी जा रही है, आपस में लड़ाया जा रहा है, उनको भी तो जेल भेजो, गलत कर रहे, भाव बना रहा है, प्रेम भाव बना रहा है, ये धार्मिक मामला है या ये शिक्षा मिलनी चाहिए? ये तो कम्युनिस्ट पार्टी क्या रंजिशन है, रंजिशन क्या है, धार्मिक पार्टी नॉर्मल जहाँ भी रंजिशन क्या है, धार्मिक चमारों के खिलाफ रंजिशन क्या है, ये कहा जा रहा मानसिकता जो है धर्म विशेष की कोई नहीं बात नहीं करते, जो खुब्बापुर का मामला है वो एक संकीर्ण सोच की महिला है, हमें तो इस तरह के मुस्लिम बच्चे जो है इनको कह रही है जो वीडियो इनके कुछ बस का नहीं, ये बच्चे जो है ऐसा ही सलूक होना चाहिए, और वो कह रही है कि मैं डिक्लेयर करती हूँ धरना कब तक चलेगा, ऐसे ही पीटा जाए, आज गाया करना चला तो आगे इस मामले में सीपीआई की क्या सोच है, क्या सॉरी है? बाबू हमने ज्ञापन दे दिया, जो हमारी मांगे हैं भाई, इन पर अगर ये सुब्बापुर कार्यवाही हुई तो ठीक है, नहीं तो हमें ये स्कूल आगे का रास्ता अपनाना पड़ा। ठीक है, थोड़ी आपत्तिजनक भाषा बोलते हुए एक मुस्लिम बच्चे को उसी के सहपाठियों से बार बार जो है थप्पड़ लगवाए, और बच्चा जो है वो 7-8 साल की उम्र का बच्चा है, यूकेजी का बच्चा, मतलब कोई बड़ा बच्चा नहीं है, और उसे उसी के सहपाठियों से जो हो सकता है उसी समाज के हों या अन्य समाज के हों, लेकिन उन बच्चों पे क्या असर पड़ेगा, वो बाहर निकल के गुंडे तो बनेंगे, वो बच्चे जो है आपस में लड़ेंगे, और वो एक गलत लाइन उन बच्चों को दी जा रही है, आपस में लड़ाया जा रहा है, जबकि होना ये चाहिए कि आपसी सद्भाव बना रहे, प्रेम भाव बना रहा है बच्चों के बीच, ये शिक्षा मिलनी चाहिए स्कूलों से। सर क्या टीचर ने ये रंजिशन क्या है, धार्मिक आधार पे क्या है?
ये रंजिशन क्या है धार्मिक? दरअसल रंजिशन क्या है ये कहा जाएगा कि इसकी मानसिकता जो है टीचर की वो इसी प्रकार की मानसिकता की है जो वहाँ क्षेत्र के लोगों से पता लगा है। वो एक संकीर्ण सोच की महिला है जो इस तरह के उसने ये शब्द कहे हैं कि भाई मुस्लिम बच्चे जो हैं इनको जो है मतलब वो कह रही है जो वीडियो वायरल हो रहा है लगातार कि ये बच्चे जो हैं इनके साथ ऐसा ही सलूक होना चाहिए और वो कह रही है कि मैं डिक्लेयर करती हूँ कि इनको ऐसे ही पीटा जाए बच्चों। इस मामले में सीपीआई की क्या सोच है, क्या थ्योरी है? बाबू हमने ज्ञापन दे दिया, जो हमारी मांगे हैं भाई इन पर अगर कार्रवाई हुई तो ठीक है, नहीं तो हमें फिर आगे का रास्ता अपनाना पड़ेगा।